वालेकुम पाकिस्तान, अम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ीशान अमजद। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सीरीज, जिसमें हम हुंजा का सफ़र करेंगे। जब बाबू सर टॉप बंद हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहां से सफ़र करना है। फिर हम सफ़र करेंगे हज़ारा मोटरवे से सीधा ठाकुर से, फिर बिशाम, और बिशाम के रास्ते चिल्लास, और चिल्लास से होके हम हुंजा जाएंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिशाम। यहाँ पर सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज चुके हैं, और यहाँ पर अब हम नाश्ता करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर नाश्ता करने का कौन सा बेहतरीन पॉइंट है बिशाम में। यहाँ पे एक होटल है बिशाम में, रमादा होटल। यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे नाश्ता होता है। तो चले आए होटल के अंदर, चलते हैं और नाश्ता करते हैं, और उसके बाद अपना हुंजा का सफ़र जारी रखते हैं। और ये है रमादा होटल बिशाम में, और ये यहाँ पे देखें बुफे सिस्टम है। देखते हैं इनके पास क्या क्या है। अच्छा, ये चने, ये ब्रेड हैं, और ऑमलेट, और इसमें भी चने, और इसमें ये हो गई स्वीट डिश। और इनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स, ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट्स है, दिस वन, एंड ये इनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स है, जहाँ पे आप बैठ के अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैं लिया है। तो चलिए अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं चने ट्राई करता हूँ। मतलब ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त है। उसके बाद ये ऑमलेट ट्राई करते हैं। ऑमलेट ये देखें, मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। ऑमलेट यहाँ का बेहतर है, तो इसलिए मैं चने छोड़ के ऑमलेट ट्राई कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, यहाँ पर आपको बुफे सिस्टम में खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, जहाँ मतलब जो मर्ज़ी चीज़ आप पर हेड के हिसाब से होता है इनका खाना, 280 के हिसाब से, 250 के हिसाब से, जैसा जैसा आप बेहतरीन उनको कहते हैं कि हमारा बुफे सिस्टम कर दें, उसके लिहाज से आपका जो है वो रेट हाई होता रहता है। तो बहुत ही अच्छा है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप शाम के रास्ते से आएँ तो सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता करें, और उसके बाद अपना सफ़र आगे का जारी रखें। तो चलें नाश्ता कर लें, उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखते हैं हुंजा का। अब शाम से चलास के रास्ते में एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं समर नाला। यहाँ पर हर कोई लाजमी ही रुकता है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोपहर आपको हो जाती है, तो खाने के लिए यहाँ पर हर कोई रुकता है। और यहाँ का जो सेटअप है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कि इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर इनकी जो यखनी और जो इनका कीमा है वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चले आए देखते हैं इनके पास क्या क्या खाने को, तो उसके बाद हम अपना खाना खाएँगे और फिर आगे चलास का सफ़र जारी रखेंगे। सब्जी, ये आ गया बीफ कोरमा, ये आ गया दाल माश, दाल माश आ गया, ये आ गया फ्राई गोश्त, और आपकी स्पेशलिटी
यखनी तो चलें ट्राई करते हैं इनका खाना। ये है यखनी जो इनकी स्पेशलिटी है, नमकीन गोश्त जो इनकी स्पेशलिटी, रोस्ट भी कहते हैं जिसको, है ना, हड्डी वाला गोश्त भी कहते हैं, रोस्ट भी रोशनी कहते हैं, हड्डी वाला गोश्त, हड्डी वाला गोश्त जिसको कहते हैं। तो चलिए इनका खाना ट्राई करते हैं। ये आ गया सामने पुलाव, चलें थोड़ी थोड़ी इनकी सारी आइटम ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये खाना आ चुका है। ठीक है, माश की दाल, चने, फेवरेट यखनी, ये कीमा, क्या ये फ्राई गोश्त, और ये पालक। थोड़ी थोड़ी आइटम्स हमने सारी बनाई हैं ताकि हम सब चीज़ों का टेस्ट कर सकें। गर्म रोटी, ओए होए 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 होए, सबसे पहले मैं ये ट्राई करूँगा, फ्राई गोश्त यहाँ का फेमस। लाजवाब लाजवाब। उसके बाद दाल माश, बेहतरीन। यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ ताकि मुझे गर्मा गर्म रोटी मिल सके तंदूर की, और ये फेमस आइटम ये साथ इसमें अपने डिप करना। कमाल हो गया, समन नाले का खाना बेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें हम खाना खा के उसके बाद अपना सफ़र आगे का जारी रखें, आप उतनी देर एंजॉय करें। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम चिल्लास से हुंजा के लिए निकल चुके हैं। रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग चिल्लास पहुंचे और कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, और आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है। अब ये हम पहुंचे हैं तत्ता पानी पे, पहुंच चुके हैं जी, पहुंच चुके हैं। कमरों में तो मिला नहीं कमरों में ठंडा पानी, और यहाँ पे तत्ता पानी। वाह, वो देखो, वो पानी में से स्टीम निकल रही है, और ये हम लेके आए हैं अंडे, वो आगे देखें। ये हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, ओ नीचे गिर रहे हैं, नहीं हो जाएंगे ना, सारे रख देना, नहीं इधर रख देते ना तजर्बे के तौर पर। तथा पानी पे अंडे रख दिए हमने,
नंगा पर्वत व्यू पॉइंट पे इसका हमने थोड़ा स्टे किया और वो पहाड़ों के पीछे ये जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं इसके पीछे नंगा पर्वत है। अनलकी हैं हम क्योंकि हम देख नहीं सकते। और ये यहाँ पे देखें कितनी रौनक लगी हुई है, मौसम काफ़ी क्लाउडी है। हमने सोचा क्यों ना फिश खाई जाए और दरिया के किनारे खुद बनाकर खाई जाए, ज़्यादा मज़ा आता है। अभी यहाँ पर हमें एक सेब का दरख्त मिला है तो हमने सोचा कि क्यों ना सेब थोड़े से तोड़ लिए जाएं रास्ते में खाने के लिए। ये देखिए हमारा पार्टनर ऊपर चढ़ा हुआ है सेब तोड़ने के लिए। ये देखिए ज़बरदस्त, कितना ही ज़बरदस्त। और ये दरख्त बिल्कुल भरा हुआ है, ये देखिए। और ये हमारा क्राइम पार्टनर यहाँ से सेब तोड़ रहे हैं और हम यहाँ पर जमा करते जा रहे हैं। तो चलें सेब तोड़ के उसके बाद हम आगे निकलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह सांस भी चढ़ गया और कितने ज़्यादा सेब हमें तोड़ना ताकि हम एंजॉय कर सकें सारे रास्ते। जी व्यूअर्स, और अब ये देखें ये सेब हम लोग यहाँ पे सेब धोएंगे जो हमने पीछे से सेब तोड़े थे। तो चले मैं यहाँ से जाकर अभी सेब धोता हूँ। दरिया में सेब धोने का अपना ही मज़ा है क्योंकि ठंडा ठंडा पानी होता है दरिया का। यहाँ से देखें ये देखें ये सेब, इसमें पानी डालूँगा मैं, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ये देखें ये थोड़ा और ये थोड़ा करीब से देखें ज़रा, इसमें मैंने पानी डाला है ये सेब और थोड़ा सा इसको ऐसे हिलाऊंगा मैं ताकि अच्छी तरह जो सेब है वो धुल जाए, ठीक है। और उसके बाद ये पानी मैं निकाल दूँगा। ये पानी मैंने निकाल दिया और अब देखें ये देखें माशाल्लाह, ये थोड़ा मैं करीब आ जाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सेब है लाल। इसको चेक करते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, इतना ही मज़ेदार और इतना मीठा सेब है। और इस दरिया में धोया हुआ ठंडे पानी से धोया हुआ सेब तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एक और बैठ लूँगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सेब। चलो ऊपर चलते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये देखें दरिया कितना ही खूबसूरत लग रहा है, ये इसका पानी और दरिया की जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये यहाँ से मैं नीचे आया हूँ जहाँ से ये लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो चलें हम भी ऊपर वापस चलते हैं जहाँ से हम आए थे। आखिरकार हम सेब धोने में कामयाब हो ही गए, बड़ी मुश्किल से हम लोग नीचे गए दरिया के पास ये सेब धोए। बेसिकली यहाँ पे रुकने का एक मकसद था क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ओल्ड सिल्क रोड। ये आप मेरी राइट साइड पे ही ये जो रोड आप देख सकते हैं वो जो ऊपर छोटे छोटे पत्थर जो है रोड है वो यहाँ पर पुराना सिल्क रोड था पहले। अब तो ये कराकरम हाईवे KKH बन गई, पहले हुंजा अगर आपने जाना होता था तो आप ये रोड इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब तो माशाल्लाह KKH बना दी है जो हमारे CPAC में भी शामिल है।
और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा मज़ेदार इस पॉइंट की है ज़बरदस्त, वो ये है कि वो सामने आपके राकापोशी नज़र आती है। वो राकापोशी का आप ज़रा क्लोज़अप थोड़ा व्यू लेके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये राकापोशी लग रही है। और अमूमन ज़्यादातर लोग इधर नहीं रुकते, ठीक है, उनको ज़्यादातर तो पता ही नहीं होता कि ये जो साइड पे रोड है ये ओल्ड सिल्क रोड है जहाँ पे पुरानी आमदोरफ्त चलती रहती थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको अपने वीडियो में शामिल करें ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और एक चीज़ और है, आपको मारखोर का यहाँ पे निशान दिखाऊंगा, मारखोर नहीं दिखाऊंगा, हमने बहुत कोशिश की मारखोर ढूंढने की लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था। तो चलें मारखोर का निशान भी दिखाऊंगा। और एक चीज़ आपको थोड़ी सी मैं जूम करके दिखाऊंगा कि ये रोड की हालत देखें कितनी खस्ता है। वो वहाँ पर देखें, वो वहाँ पर ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा मैं जूम करके देखें, वो वहाँ पर एक ब्रिज आपको नज़र आएगी जो इतनी ख़तरनाक है। ये पुरानी सिल्क रोड में इस्तेमाल होती थी। तो हर तरफ पहाड़ी पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है और साथ ही ठंडे पानी में धोए उसे बहुत ज़बरदस्त नज़ारा पेश करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मारखोर, ओरिजिनल नहीं लेकिन मारखोर का निशान मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ हमें मारखोर लाजमी मिले। तो चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं। इस जगह को राकापोशी व्यू पॉइंट कहते हैं और ये है राकापोशी माउंटेन जिसका मतलब है बर्फ से ढका हुआ। इसको दुमानी भी कहा जाता है जिसका मतलब है मदर ऑफ क्लाउड्स। अब यहाँ से हम सीधा हुंजा जाके स्टे करेंगे। इस वक्त हम हुंजा में मौजूद हैं और सुबह सुबह का ये नज़ारा बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। ये सामने पहाड़ों पर बर्फ़ के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपको हमारी आने वाली एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।